सरों का। सात शहर 36 घंटे और 5300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी सोमवार से शुरू करेंगे मैराथन यात्रा। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले पंजाब में खालिस्तान की कोई लहर नहीं, पंजाब सरकार ने अच्छा काम किया और हमने उनका समर्थन किया। राजीव गांधी जैसा होगा मोदी का हाल, केरल भाजपा को मिली धमकी भरी चिट्ठी, कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी लीक हुई थी। अमृतपाल सिंह 36 दिन बाद गिरफ्तार, मोगा में गुरुद्वारे से पकड़ा गया, असम की डिब्रूगढ़ जेल से लाया जाएगा। संजय राउत का अजीत पवार पर तंज, बोले अजीत पवार के पास सीएम बनने का सामर्थ्य, उन्हें शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। भारतीय जनता पार्टी के पहले चरण में नगर निगम के लिए तय किए गए प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरे चरण के लिए बीजेपी आज दूसरे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। बताया जा रहा है कि यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली दौरे पर गए हैं, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक कर दूसरे चरण के निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल की। तो दूसरी ओर कल से नगर निकाय चुनाव को लेकर दिग्गज जमकर प्रचार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी कल सहारनपुर से चुनावी बुगुल फूकेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज दौरे पर हैं। इस दौरान वो फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल और बीजेपी से महापौर पद के आवेदकों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा गणेश केसरवानी को जितवाने के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। नेता राकेश शुक्ला के आवास पर प्रेस वार्ता होगी, वो उमेश पाल के आवास पर भी जाएंगे। डिप्टी सीएम दिवंगत उमेश पाल के चित्र पर पुष्प अर्पित करेंगे, साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होने की संभावना है। फरीदाबाद में भगवान परशुराम जयंती को राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली ने बड़ी धूमधाम से मनाया और इसको लेकर पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि हिंदू धर्म में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ वैशाख मास के तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इस विशेष दिन भगवान विष्णु के छठे स्वरूप भगवान परशुराम जी की उपासना की जाती है। आप सभी को भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से, समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की कृपा सभी पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, हमारा राष्ट्र उन्नति करे, विश्व में हमारा नाम हो। और आज कुलैना गाँव में भव्य आयोजन किया गया, उसमें समाज भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो पूरी गाँव की सरदारी का मैं सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को पुनः भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। हरदोई के संडीला कछौना पुलिस ने दो शस्त्र फैक्ट्रियों का खुलासा किया है, जिसमें दोनों थाना क्षेत्रों से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शस्त्र के साथ उपकरण बनाने का सामान भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने दो शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। शीघ्र होने वाले नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में सीओ मघौली और सीओ संडीला द्वारा टीमें बना करके अपराधियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें ये थाना संडीला से और कछौना से ये दो शस्त्र फैक्ट्रियाँ बनाने वाले शस्त्र फैक्ट्रियाँ बरामद की गई हैं और 5 अभियुक्त इसमें अरेस्ट किए गए हैं। ये अभियुक्त ऐसे हैं, इनके विरुद्ध पूर्व में भी लूट के, मर्डर के और इवन शस्त्र फैक्ट्री बनाने के मुकदमे पहले से भी हैं। कुल इनके पास से 9 तमंचे बने हुए,
और 9 आर्मी तमंचे, कुछ जिंदा कारतूस, कुछ खोखे और भारी मात्रा में शस्त्र बनने का सामान बरामद हुआ है। हरदोई में कासिमपुर पुलिस ने 2 महीने पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी थी और जांच में सामने आया कि शादी के लिए इनकार करने पर गांव के ही एक युवक ने विधवा महिला की गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने मर्डर तिराहे पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। को थाना कासिमपुर के जंगलों में एक 45 वर्षीय महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसको देख करके हत्या की आशंका हुई थी। परिजनों द्वारा अज्ञात के विरुद्ध मर्डर का मुकदमा कायम कराया गया था। ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, जिसका कि कहीं कोई ओल्ड शोर नहीं मिला था, कोई मोबाइल फ़ोन का भी इसमें यूसेज नहीं हुआ था, कोई CCTV फुटेज भी उधर के आसपास नहीं थी और बहुत ही चैलेंजिंग था हरदोई पुलिस के लिए, जिसको कि लगभग 2 महीने के पश्चात थाना कासिमपुर की पुलिस ने CEO संजीला और अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में SOG स्क्वाड के साथ इसका खुलासा किया है। बिजनौर में तेज रफ्तार के कहर से एक परिवार में ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि बिजनौर में ट्रक और कार की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई और हादसे में जहां एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 2 लोग सहित बच्चे घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से गंभीर घायल व्यक्ति और बच्चे को हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम प्रकाश। डॉक्टर साहब, हल्द्वार रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोगों की इसमें मौत हुई है और कितने घायल? इसमें 1 लोगों की मौत हुई, उसका नाम है सलीम और 2 लोग सीरियस घायल हैं और वो दोनों को मेरठ भेजा गया है। एक बच्चा है उसमें से आरिफ और दूसरा नाम है साजिद, ये दोनों लोग मेरठ गए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।